कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े किसान संगठनों के साथ बैठक में सरकार ने उनके एजेंडे की चार में से दो मांगे मान ली हैं। आपको बता दें कि सरकार पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने और विद्युत संशोधन अधिनियम की वापसी पर राजी हो गई है। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 34 दिनों में 1,98,000 एक्टिव केसेस कम हुए हैं, यानी हर दिन औसतन 5,825 केस कम हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में आई कोरोना रिपोर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा 21,944 पर ही टिका रहा। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ब्रिटेन से फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया है कि यह स्ट्रेन बेहद संक्रामक है, इसलिए हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। नए साल को लेकर देश खूब उत्साहित है। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप और उसके नए स्वरूप के मामले सामने आने के बाद सरकार और प्रशासनिक स्तर पर नए वर्ष के आयोजनों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजकों को यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी किस्म की लापरवाही के जिम्मेदार वह खुद होंगे। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐलान किया था कि अगले कुछ हफ्तों में ही देश को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी, जिसके मद्देनजर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के दिए गए आवेदन पर आज फैसला लिया जाएगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी SDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कल यानी बुधवार को कोरोना वैक्सीन के मद्देनजर एक बैठक की, जिसमें कोविशील्ड को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन पर भारत बायोएनटेक और फाइजर ने अपनी वैक्सीन पर प्रेजेंटेशंस दिए। हालांकि इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने महाविकास अघाड़ी यानी MVA के सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है। इस संबंध में उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने MVA सरकार में कांग्रेस को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में हिंदू संत श्री परमहंस जी महाराज के ऐतिहासिक समाधि को स्थानीय लोगों की एक नाराज भीड़ ने ढहा दिया। पुलिस ने बताया कि करक जिले के एक छोटे से गांव टेरी में भीड़ इस बात को लेकर नाराज थी कि जिस जगह पर यह निर्माण कार्य हो रहा था वो उसे इस समाधि स्थल का हिस्सा समझते थे। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोलोराडो की राजधानी डेनवर में 20 साल के एक व्यक्ति में यह नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। राजधानी में जमा देने वाली ठंड फिर से लौट आई है। ऐसे में आसार है कि नए साल का आगाज भी भीषण ठंड के साथ ही होगा। बर्फीली हवाओं का आलम यह रहा कि धूप में भी ठिठुरन ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि आज यानी गुरुवार को राजधानी में शीतलहर का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।